I went for the stars with Iram and Nishkarsh in my car, forming an alliance with Prince, Mini and Kashish. हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी कि हमें कार इतनी तेज नहीं चलानी कि वो रोप हम दोनों के हाथों से छूट जाए. स्ट्रैटेजी ये भी थी कि प्रिंस सर पहले चलेंगे और मैं उनके पीछे, क्योंकि वो जितनी स्पीड से चलाएंगे मैं भी उतनी ही स्पीड से उनके पीछे जाऊंगा. गैंग नेहा, गैंग प्रिंस, योर टाइम स्टार्ट्स इन 3, 2, 1. जैसे ही टास्क स्टार्ट हुआ और जिस हिसाब से प्रिंस सर ने गाड़ी भगाई, तो हम कहीं ना कहीं समझ गए थे कि प्रिंस सर इस टास्क में भी फाड़ने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि निष्कर्ष जब तक पॉट नहीं दिखता है ना, तुम्हें सिर्फ भगाना है. रस्सी 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 यहीं पर देनी है. रस्सी ले, रस्सी ले. चल स्लो, टाइट कर, टाइट कर, टाइट कर, टाइट कर, टाइट कर. फास्ट 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 फास्ट, मटका फास्ट, मटका 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 मटका. स्लो स्लो स्लो, चल. अब कशिश और इरम दोनों स्ट्रेंथ खिलाड़ी हैं और हमें पता था उनकी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी जाने वाली है. ये मैक्सिमम है हमारे पास रस्सी. क्या कर रहा है यार? तेरे कान आराम से. आई थिंक मैं थोड़ी नर्वस हो गई या हड़बड़ाहट हो गई. मेरे से ना रस्सी इतनी टाइट नहीं हुई, वापस गिर गया. थैंकफुली वो टूटा नहीं था. अगर टूट जाता पेनल्टी जाती प्रिंस सर. वो सो पिस्ड. पहले उसको अटक ना दो. मैं इतना गुस्सा हो गया था, मैं चिल्ला रहा था, क्योंकि वो अवेयरनेस होती है कि तुम मटका ले रहे हो तो ऑब्वियसली वो हिलेगा. तुम्हें उसको धीरे से ऊपर लेकर आना है. गाइस मैं आप इधर खींच ले ना, इतनी नहीं खींचनी होती यार. इरम को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो पता नहीं क्या करे जा रही थी. तो कहीं ना कहीं पहली स्टेज पे इतना चल गया था पता कि ये टास्क आसान नहीं होने वाला है. एकदम इरम उसको टिकने दो. पहले इरम टिकने दो उसको. डोंट बी इन अ रश. उसको सीधा कर, सीधा कर. अब लगा. I think because Iram ने perform नहीं किया था, task awareness बहुत कम थी उस time. उसमें we were losing too much time. धीरे 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 मुझे आंटे मेरे पास आंटे छोड़ छोड़ आंटे धीरे 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 बहुत धीरे 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 आने दे. Hold the end. आने दे. Hold the end. निकलो. चल चल चल. वहाँ हमारा कुछ 50 seconds के करीब मेरे को लगता है 40-50 seconds के लिए time खराब हुआ. पर मुझे लगा कि अब ये टाइम हमें बाकी जगह पर चलाकर कवर करना है. बारक, बारक! आगे ले, आगे ले, आगे ले! तू टाइट रख, तू टाइट रख, बस ठीक है, मैं अपने आप कर लूंगा. छोड़, बस टाइट रख, टाइट रख, बस टाइट रख, तू टाइट रख, मैं अपने आप खींच लूंगा. नाइस वन, मैंने अच्छी तरह लूंगा. चलो, 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 मेन्यू को आने दीजिए. बदक बीच में एक रास्ता आया था, एकदम से हमें दूर जाना था और एकदम से जो रस्सी खींची और मेरा हाथ पूरा बर्न छिल गया. इवन नेहा मैम दूसरा एंड पकड़ी हुई थी आगे, नेहा मैम का हाथ बर्न हो गया, मेरा तो खून निकल गया हाथ से. बट अब रस्सी छूट नहीं सकती थी, रस्सी को टाइट पकड़ना था, टास्क कंप्लीट करना था. प्रिंस सर ने जो गाड़ी भगाई है, तो एक्चुअल ऑफ रोडिंग मेरी जिंदगी की मैंने फर्स्ट टाइम जो करी थी वो बहुत ही मजेदार होने वाली थी, मुझे समझ आ गया था. उठा 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 उठा. इजी, आगे ले क्या? गाड़ी आ रही है. छोड़ना मत. फिर तीसरे मटके पे जब हम पहुंचे तो वो भी बहुत ही इजीली हमने उठा लिया. चल 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 चल. अगला मटका था और उसको लेने के लिए अब मेरी बारी थी कि मैं उस कर्व वाली हाइट पे जाऊं. हमारी गाड़ी ऐसे हो गई, लाइक ऑन टू व्हील्स. आई लुक्ड एट इरम, आई लुक्ड एट मायसेल्फ, आई लुक्ड एट द कार एंड आई वाज लाइक ये गई और मैं गई. अभी तरफ खींच लेना इरम. वो ले सकती है, पहले पूछो उसको. ले लेगी. ठीक है. चल 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 चल
चल आ जा। चले, रख लूंगा, रख लूंगा। इजी, इजी, इजी। बस इजी। आराम से। हाँ, आगे कर, आगे कर। और आगे कर। और आगे कर, निश्चित आगे कर, आगे कर। जब हम पांचवें मटके पे पहुंचे, कहीं ना कहीं मुझे डर लगा कि अगर अब निष्कर्ष नहीं कर पाया तो हम हार जाएंगे। बात है ना, आगे लाके रखियो। आगे कर, चल 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 चल। निष्कर्ष आगे कर। बस 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 बस। अपनी तरफ खींचो। खींच ले। छोड़ दे। नहीं है रस्सी। अरे वो पकड़ रहा है, मेरे को नहीं पकड़ा। प्रिंस सर, तुमने पूरी तेज गाड़ी भगा दी। रस्सी की वजह से मेरे हाथ में बर्न्स पड़ने लग गए थे, उस टाइम पे हाथ जल रहे थे। फोड़ना नहीं है, बस टाइम शॉप हो गया। भारी गन। यहाँ पर पहुंचे हम पांच मटकियों के साथ, तो लोगों के एक्सप्रेशन बहुत अच्छे थे। उनको लगा था कि शायद हमने बहुत अच्छे से किया है। मैं सोनू की हाइट को इस्तेमाल करना चाहता था कि वो रोड देख सके और मेरे को बताए। मेरे को बताने की मटका भैया आगे 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 आगे, थोड़ा राइट ले लो, थोड़ा आगे ले लो। और मैं चाहता था कि गीतिका रोप को हैंडल करे। वही निखिल सर की टीम में से रोहन नेविगेशन कर रहा था और श्रुति पीछे से मेरे साथ मटके इकट्ठे करने वाली थी। 3, 2, 1 गो। Go, 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 go! और जैसे ही ऑफ रोडिंग शुरू हुई, बैंग, मेरा सर ही छत पे बज गया। वहां अपने आपको बैलेंस करके बैठना ही बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। रफ्तार, रस्सी दो एक दूसरे को, रस्सी दो एक दूसरे को। रस्सी ले, अब ले रस्सी। अब ये रस्सी छूटनी नहीं चाहिए। हमें ये पॉट बिना गिराए कलेक्ट करना था, क्योंकि अगर वो गिर जाता तो 1 मिनट की पेनल्टी थी। तो होल थिंग वाज वेरी डिफिकल्ट। वेट, हाँ नहीं, वही है। नहीं है ना वहाँ। धीरे से। हाथों से पकड़ के मटका अंदर रख ले। And finally our coordination worked और हमने अपना पहला पॉट कलेक्ट कर लिया। चलो। रुको। सेकंड पॉट थोड़ा टेढ़ा लगा हुआ था। मैंने कहा भाई ये कैसे उठेगा? No, I'm touching this. रुको। अरे वेट, रस्सी पकड़ के जो एक साथ में चलना था वो वाला ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि अगर रस्सी किसी भी लड़की ने टाइट पकड़ी और गाड़ी दूर हुई तो वो गाड़ी में से रस्सी के साथ बाहर आ सकती थी। रफ्तार सर एक बहुत अच्छे ड्राइवर है जो कि, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे टेकल किया। हमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हम ये भी होगा, क्योंकि निखिल सर भी एक अच्छे ड्राइवर हैं, तो हमें लगा था कि शायद हम एक ही फ्लो में पूरा टास्क कर जाएंगे। भैया फोर व्हील करो उसको। मैं कर रहा हूँ, मगर यहाँ पे कोबरो। निखिल सर को अंदर इतना गुस्सा आ रहा है कि क्या है, क्यों नहीं निकल रहा है। वो
जब रुकी गाड़ी और वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, पूरी चार बार वो गाड़ी रुकी, इसमें हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया। आराम से आना भैया। मुझे लगा था यार एक बार गाड़ी फंसी, निखिल सर अब गाड़ी आगे बढ़ाएंगे, बट निखिल सर बार बार वही गलती कर रहे थे। तो गुस्सा तो आ रहा था, पर गुस्सा कैसे कर सकते हैं किसी पे। हमने एक के बाद एक फिर तीन पॉट्स पिक कर लिए थे और हम अब काफी खुश थे, लेकिन फिर भी अभी दो पॉट्स और बाकी थे। और जब हम चौथा पॉट उठाने के पास पहुंचे तो वो ऐसी जगह पे थी जहां हमारी गाड़ी पूरी 45 डिग्री के एंगल्स पे खड़ी हो गई थी। तो गाड़ी की टेंशन मत लो, जल्दी जल्दी उसको दे दे। आराम से, आराम से, आराम से। हां, वेरी नाइस। ओनली लाइक अ बेबी, होल्ड इट लाइक अ बेबी। टर्न हां, टर्न, कीप इट टुगेदर। भागो। ब्रेक मार के अब। आपका टास्क अभी खत्म नहीं हुआ है। जब आप एक मटका फोड़ेंगे एक्स के ऊपर तो दूसरे के टाइम में 30 सेकंड ऐड हो जाएंगे। अब मैं आप दोनों टीम्स को टाइम बता देता हूं। एक ने किया ये 6 मिनट 2 सेकंड में और दूसरी टीम ने किया ये 7 मिनट 23 सेकंड में, मतलब 1.5 मिनट से कम का डिफरेंस है। 2.5 मिनट का डिफरेंस आपके हाथों में। जो भी टीम अगर 3 मटके से लीड ले पाए तो ऑटोमेटिकली दूसरी टीम हार जाएगी। चल कशिश, गो। कशिश माइंड गेम तो बहुत खेलता है, पर जहाँ एनर्जी चैनलाइज करनी होती है वो भी चूक जाता है। ऑलराइट गैंग, निखिल एंड रफ्तार, गो फॉर इट। रोहन, दैट इज प्लस 30 सेकंड्स टू गैंग नेहा एंड प्रिंस। वेल डन नेहा एंड प्रिंस। इरम, counted. Nice, Iram, nice. Nikhil and Raftar, aapke score mein 30 seconds add kar diye gaye. Sonu. Not counted, kyunki ye bahar phata. वही उसका ओवर कॉन्फिडेंस था, मतलब इतनी फोर्स की जरूरत नहीं थी जो कि उसने डाल दी। कशिश, रोहन, गुड गुड जॉब, काउंटेड, गो फॉर इट इरम। Iram, focus, Iram, focus. You let it go, Iram.
सोनू। कशिश counted. Last, Rohan, best of luck. Go for it. Counted. Yes. Good job, Nikhil and Raftar. आपने फोड़े चार, इसका मतलब दो मिनट का टाइम ऐड हो जाएगा नेहा और प्रिंस के टाइम पर, और आपने फोड़े सिर्फ तीन, मतलब डेढ़ मिनट। जो कैलकुलेशन थी वो बहुत ही ज्यादा टक्कर की हो गई थी। निखिल और रफ्तार, योर फाइनल स्कोर इज 8 मिनट्स 53 सेकेंड्स। नेहा एंड प्रिंस, आपका टाइम अब हो गया है 8 मिनट 2 सेकेंड। That means Nehan Prince, congratulations. वो खुशी इतनी सही खुशी थी कि yes, मेरी हैट्रिक हो गई है, मैं ये टास्क दसरा का तीसरी बार जीत चुका हूँ। We were so happy, yay! Finally, हमारी गैंग नेहा को ये टास्क जीती है।